नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के मध्य का सप्ताह आपकी राशि के लिए कैसा बीतेगा, ये आने वाले 7 दिन किस प्रकार के होंगे, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इस सप्ताह का पूरा हाल आपको आने वाले जो कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, इस सप्ताह में पड़ती है या इन तारीखों में पड़ती है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं साप्ताहिक राशिफल का। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और यूट्यूब पर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दें। मैं आपकी राशि का राशिफल शुरू करूं उससे पहले मात्र 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा। ये 1 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपको पता है कि आपकी असली राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है? क्या आपको पता है कि आपका लग्न क्या है? क्या आपको पता है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह किस प्रकार के बैठे हैं? क्या आपको पता है कि कौन सा ग्रह शुभ है आपके लिए, कौन सा अशुभ है? कौन सा रत्न आपके लिए शुभ है, कौन सा रत्न शुभ नहीं है? कौन सी पूजा आपके लिए अच्छी है, कौन सी पूजा आपके लिए अच्छी नहीं है? और आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपका 2022 और 2023 सुरक्षित हो जाए और लाभकारी हो जाए? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी? क्या आप ये जानना चाहते हैं नौकरी अच्छी कब होगी, पढ़ाई लिखाई कैसी चलेगी, विदेश यात्रा कब होगी? ये सब कुछ बताएगी आपकी जन्म कुंडली। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूं साल 2022 और साल 2023 की आपकी कुंडली और इन दोनों सालों को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी। तो 799 रुपये में आपको ये कुंडली प्राप्त होगी और इसको प्राप्त करने के लिए आपको L100 लिखकर WhatsApp करना है दिए गए नंबरों पर या फोन करके आप अत्यधिक जानकारी ले सकते हैं। तो 2 साल आपके बेहतरीन बीतेंगे उपायों से और 2 साल में आप बहुत तरक्की कर पाएंगे। और ये जो जन्म कुंडली के पूरे फलादेश होंगे ये 2 साल के होंगे और बाकी जो आपकी जन्म कुंडली है वो आपके पूरे जीवन भर काम आएगी। तो अभी ऑर्डर करें L100 लिखकर मात्र 800 रुपये में 799 में। तो आइए अब शुभारंभ करते हैं साप्ताहिक राशिफल का आपकी राशि से। हम बात करेंगे धनु राशि की। सप्ताह की शुरुआत की अवधि में शिक्षा, बाल कल्याण, मनोरंजन और से संबंधित गतिविधियों में आप व्यस्त रहेंगे। जुआ, शेयर मार्केट, बाजार, कारोबार में आपको परामर्श लेकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। दिल से जुड़े रिश्तों में आप के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा आप अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य से संबंधित योजनाएं बनाने में, तैयार करने में सफल रहेंगे। सप्ताह के मध्य में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पर पड़ सकता है। शारीरिक ऊर्जा कमजोर रहेगी। सप्ताह भर आप स्वास्थ्य, प्रसन्नता, उत्साह को बरकरार रखने के लिए कोशिशें करते रहेंगे। आप कौशल और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें, अपनी कमियों पर ध्यान दें। सप्ताह का अंतिम समय आपके प्रिय से आपके स्नेह को बढ़ाएगा, रिश्तों को मजबूत करेगा, फायदेमंद वक्त साबित होगा 2 लोगों से प्यार बढ़ाने के लिए, रिश्ता बढ़ाने के लिए, संबंध बढ़ाने के लिए। वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे, प्यार में बढ़ोतरी होगी, परिवार में खुशी और शांति का माहौल होगा, आपके अंदर उत्साह होगा और आप पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी, व्यापार और रिश्तों में उच्च दर्जे की सफलता पा लेंगे। हम बात करेंगे 8 फरवरी की। विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे। प्रेमी युगल जोड़ों के लिए आज का दिन सौभाग्य का रहेगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो समझदारी से करिएगा। आज का दिन रिश्तों में उलझे हुए रह सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वयं की ऊर्जा को महसूस करेंगे और ताकत बनी रहेगी। 9 फरवरी की बात करें तो संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा। अध्ययन काल में बच्चे और बड़े व्यस्त रहेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर मिलेगा। व्यापारी लोगों का व्यापार बढ़ेगा। जीवन साथी से रिश्ते बढ़िया रहेंगे और कार्य का अतिरिक्त बोझ थोड़ा सा परेशान कर सकता है।
10 फरवरी की बात करें तो आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक उत्सव में भाग ले सकते हैं। व्यापारी लोग अपने व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। खिलाड़ी लोग अपने खेल में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, मान सम्मान और पदक जीतते चले जाएंगे। बात करेंगे 11 फरवरी की तो विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे। प्रेमी युगल जोड़ों के लिए आज का दिन सौभाग्य का रहेगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश किया जा सकता है। आज का दिन बहुत ही बढ़िया बीतने वाला है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे और किसी भी चीज से घबराएंगे नहीं, काम करते चले जाएंगे। पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। लोगों से मिलना जुलना, रिश्तेदारी में आना जाना लगा रहेगा। प्रेम संबंध उत्तम होते चले जाएंगे। नई दोस्ती यारी, नया प्यार की शुरुआत संभव है। बात करेंगे 12 फरवरी की तो आज का दिन जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम रहेगा। आपको निश्चित रूप से साथ और सहयोग प्राप्त होगा अपने पार्टनर का। रोमांटिक मूड रहेगा। बॉस हो या सीनियर अधिकारी हो, छोटे अधिकारी हो, बड़े अधिकारी हो, दोस्ती यारी हो, इन सबसे रिश्ते बढ़िया रहेंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए अनुकूल दिन है। व्यापारियों की साझेदारी बढ़िया रहेगी। व्यापारियों के रिश्ते अपने ग्राहकों से बढ़िया रहेंगे। पास पड़ोस से अच्छे रहेंगे। पैसा कमाने और पैसा बचाने का दिन है। शेयर मार्केट में निवेश ना करें या जुए, शेयर मार्केट से बचिएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खाने पीने के मामले में सावधानी रखें। रोजाना में नियमित व्यायाम करते रहें। किसी महिला से लड़ाई झगड़ा ना करें। परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्वक बातें करें। 13 फरवरी की बात करेंगे तो अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आप अपने प्रेमी प्रेमिका से मिलने का अवसर प्राप्त करेंगे। व्यापारी लोग किसी नए साझेदार या व्यापारी प्रस्ताव को पाकर खुश होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले सुलझेंगे। जीवन साथी से संबंध अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष की तरफ से धन प्राप्ति के योग है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपके बच्चे साहसी होंगे। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में बढ़िया करेंगे और सफल होते चले जाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। 14 फरवरी की बात करें तो बहुत दिनों से रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा। सट्टेबाजी में निवेश कर सकते हैं। शुभ समय है, शेष समय है। हर काम को करके आप खुश रहेंगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता कर पाएंगे। गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, कोई दुर्घटना हो सकती है। भावुकतावश कोई निर्णय ना लें। आपके बच्चों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। विदेश से संबंध स्थापित हो सकता है और प्यार के रिश्ते परवान चढ़ सकते हैं। एक अच्छा दिन होगा फैमिली लाइफ को बेहतर करने के लिए और प्यार के रिश्तों को और बेहतर करने के लिए और एक नई प्यार की शुरुआत करने के लिए। और अविवाहित लोगों को कहीं से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भगवान विष्णु की उपासना करते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। कष्ट कम होते चले जाएंगे। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। सब बेहतर होगा और कोशिश करते रहिएगा। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो फिर उपाय जरूरी होंगे। जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइए। क्या आप अपने 2022 और 2023 में सपने पूरे करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आगे का वीडियो देख लीजिएगा। आपके सपने पूरे हो जाएंगे अगले 2 मिनटों में। सफलता सबको नहीं मिलती। सफलता सबको वक्त पर नहीं मिलती, लेकिन सफलता चाहिए सबको होती है। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। आप भी अगर सफल होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है, जब तक आपकी जन्म कुंडली आपके पास नहीं होगी तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो आपको मैं एक ऑफर दे रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप अपनी 2022 की जन्म कुंडली बनवाएं और 2022 की जन्म कुंडली में जाने कि आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके सभी ग्रह मजबूत हो जाए और आप लाभ प्राप्त कर सकें। 2022 के साथ 2023 की कुंडली हम आपको मुफ्त देंगे ताकि आने वाले 2 साल आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित ज्योतिष के आधार पर। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान, जन्म तारीख और जन्म समय साफ साफ लिखकर व्हाट्सएप करना है दिए गए नंबरों पर, और ये कुंडली आपको ईमेल के द्वारा या आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। और इसको भेजने का शुल्क होगा
799 रुपये, 799। और अगर आप इसको कागज के रूप में चाहते हैं तो ये स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी, जिसका मूल्य होगा 1000 रुपये। आप लोग ऑर्डर करने के लिए L100 लिखकर व्हाट्सएप करें और अपनी 2022 और 2023 की कुंडली प्राप्त करें और दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।